क्या धर्म अलग अलग हो सकते हैं? धर्म सिर्फ एक ही हो सकता है। होता यह है कि हम जब खुश होते हैं, अपने परिवार के साथ मगन होते हैं, अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे होते हैं, तो हमसे कुछ गलतियां होती हैं, हमसे कुछ भूल होती है, कुछ बड़े बोल हम बोल देते हैं, कभी किसी गरीब को हिफाजत से देख लेते हैं, कभी किसी का दिल दुखा देते हैं, और कोई छोटी सी गलती हमारी जिंदगी में कोई बड़ी मुसीबत ले आती है। बाद वक्त छोटी सी नेकी जिंदगी में बहुत बड़ी खुशियां भी ले आती है, और छोटी सी गलती जिंदगी में बड़ी मुसीबत ले आती है। हम ध्यान भी नहीं करते, बाद वक्त अपनी जबान से निकलने वाला एक बोल हमको दसों साल किसी मुसीबत में फंसा देता है। इसलिए एक तो सबसे पहली मेरी गुजारिश यह है कि आप अपने मालिक से अपना एक टूटा हुआ रिश्ते को जोड़ें, अपने मालिक से संबंध बनाएं। जो मुसलमान है वो इस बात की जिम्मेदारी समझे, वो समझे इस बात की जिम्मेदारी कि उनकी जिम्मेदारी है कि अपने इन दोस्तों अपने साथियों के सामने सही नुमाइंदगी करें, पहुंचाएं लोगों को, सही बात बताएं। लोगों को मालूम नहीं है, लोग बिल्कुल ये समझते हैं कि दुनिया में कई धर्म हैं। अजीब बात है, इस मालिक ने देखिए एकता के ऐसे मजबूत सूत्र हमको दिए हैं कि अगर हम उसे एकता के मजबूत सूत्रों को समझ लें तो दुनिया का कोई आसुर, दुनिया का कोई शैतान हमारे दरमियान दड़ा नहीं डाल सकता। सबसे पहली बात यह है कि हमको एक ही मालिक ने पैदा किया। ऐसा नहीं है कि हमें मुसलमानों को किसी और ने बनाया हो और हिंदू भाइयों को किसी और ने पैदा किया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उस एक ही मालिक ने सारी दुनिया के इंसानों को बनाया, और फिर एक ही माँ बाप की औलाद है, एक ही माँ बाप की संतान है, हम एक ही माँ बाप की सगी औलाद है। सारी दुनिया के लोग मानते हैं कि पहले इंसान का नाम आदम था और उनकी बीवी हमारी माँ का नाम हव्वा। ये पूरी दुनिया के धर्म ग्रंथों में भरा हुआ है। कोई पढ़ के तो देखे, भविष्य पुराण कोई पढ़ के देखे, कितनी तफसील के साथ, जिस तरह सूरह नूह में और सूरह हूद में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वाकया आया है कुरान में, ठीक उसी तफसील के साथ भविष्य पुराण में। शायद हमारे हिंदू भाइयों में से कुछ लोग इन पुराणों से वाकिफ हों, हमारे भारतीय धर्म ग्रंथों में 18 पुराण हैं। उन 18 पुराणों में सबसे ज्यादा जो विश्वसनीय माना जाता है, ऑथेंटिक माना जाता है, वो भविष्य पुराण माना जाता है। उस भविष्य पुराण में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का पूरा वाकया ठीक उस तरह जिस तरह के कुरान मजीद में सूरह हूद और सूरह नूह में बयान हुआ है, ठीक उसी तरह वो वाकया बयान है। तो हम सब के माँ बाप भी है, हम सब का खुदा भी है। अब आगे उसके बाद अब तीसरी बात और मैं कहना चाहता हूँ। एक बहुत जबरदस्त गलतफहमी दुनिया में ये फैली हुई है कि उस मालिक ने दुनिया के इंसानों को अलग अलग धर्म दिए। लोगों, ये मालिक पर सबसे खतरनाक आरोप है, ये सबसे बड़ा इल्जाम है कि उसने बाकी सब चीजें एक दी, शरीर एक दिया, खाने पीने का तरीका एक दिया, पैदा होने और मरने का तरीका एक दिया, सांस लेने का तरीका एक दिया। हर इंसान को सच बोलना अच्छा लगता है, हर इंसान को झूठ बोलना बुरा लगता है, हर इंसान को माँ बाप की अदब और खिदमत और सेवा अच्छी लगती है, हर इंसान को माँ बाप के साथ बदतमीजी करना, बेअदबी करना बुरा लगता है। तो स्वभाव भी एक दिया, फितरत भी एक दी, नेचर भी एक दी, और धर्म उसने अलग एक दी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि खुदा ने खुद इंतजाम कर दिया कि लड़ते रहो सारी जिंदगी। ये इल्जाम है खुदा पर, ये कहीं ना कहीं हमसे भयानक गलती हो रही है। बिल्कुल नहीं, हो ही नहीं सकता। धर्म नाम किस चीज का है? धर्म नाम है जिंदगी के नियमों का। वो नियम अलग अलग हो ही नहीं सकते, मुमकिन ही नहीं है, ये बिल्कुल संभव ही नहीं है। हाँ, हुआ क्या था? हुआ यह है कि इंसान दुनिया में जहां जहां बसता गया, उस मालिक ने इंसानों के लिए जिंदगी के सिद्धांत वो वहीं की भाषा में उतारता चला गया। ये उस मालिक की बंदों के साथ मोहब्बत की खुली निशानी है। जैसे इंसान जहां जहां बसता चला गया, वहां उसने हवा भी पहुंचा दी, रोशनी भी पहुंचा दी, खाने पीने के सामान भी पहुंचा दिया, सूरज चांद की रोशनी भी पहुंचा दी, सब कुछ पहुंचा दिया। उसी तरह उस मालिक ने अपने ज्ञान की रोशनी भी वहां पहुंचाई। उसके बाद जब दुनिया फैल गई और बहुत तरक्की हो गई
और इस ये बात संभव हो गई कि एक ही जगह का ज्ञान पूरी दुनिया में फैल जाए, दुनिया सिमट गई, एक गांव बन गई, एक घर बनने लगी। जब वो दौर आया तो उस दौर में उस मालिक ने इंसानों की मोहब्बत के तकाजे को बदलता हुआ महसूस किया। उसने ये कहा कि अलग अलग धर्म ग्रंथों के उतारने के बजाय मैं दुनिया के बीच बीच में अपना अंतिम संस्करण उतार देता हूँ सारी दुनिया के इंसानों की। अब ये इस अंतिम संस्करण में कुरान में पिछले तमाम ग्रंथों का खुलासा आ गया और मुसलमानों को ये कहा गया कि देखो चित्र समझो, अल्लाह सिर्फ मुसलमानों का नहीं, खुदा सिर्फ मुसलमानों का नहीं, वो रब्बुल आलमीन सारी दुनिया के इंसानों का रब है। और ये मोहम्मद जो भेजे गए हैं ये सिर्फ मुसलमानों के पैगंबर नहीं, तुम इस बात को समझो ये सारी दुनिया के इंसानों को एक अच्छी जिंदगी गुजारने का, मोहब्बत भरी जिंदगी गुजारने का सलीका सिखाने के लिए आए, ये सबके हैं और ये सबके हैं और सब लोग इनके हैं। जब तक मुसलमान इस मिजाज को समझते रहे और सही अंदाज से दुनिया के इंसानों के साथ वो बर्ताव करते रहे, सारी दुनिया के इंसान उनसे प्यार करते रहे, मोहब्बत करते रहे, सर आंखों पर बिठाते रहे, पूरी दुनिया को 1000 साल तक तहजीब सिखाई मुसलमानों ने, दुनिया में बड़ा परिवर्तन लाए, बड़ी ऊंच नीच थी, बहुत से इंसानों को लोगों ने नीचा बना रखा था, गुलाम बना रखा था, जिंदगी के हक से महरूम कर रखा था, वंचित कर रखा था, वो पूजा नहीं कर सकते, वो मंदिर में नहीं आ सकते, वो ज्ञान हासिल नहीं कर सकते, वो ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, इस पूरी व्यवस्था को बदल दिया और ऐसा बदला कि साफ बता दिया कि सब के सब एक माँ बाप की औलाद है, सब बराबर है, बस ऊंचा वो है जिसका कैरेक्टर अच्छा, जिसका किरदार अच्छा, जिसका अभाव अच्छा। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जिसका कैरेक्टर अच्छा, जो सच बोलता हो, जो वादे का पाबंद हो, जो इंसानों का हमदर्द हो, जो 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 किसी को धोखा न दे, किसी से जले नहीं, किसी का दुश्मन न हो, किसी का बुरा न चाहे, वो इंसान अच्छा है। सनातन धर्म और दीन ए क़य्यिम, धर्म की परिभाषा। धर्म बना नहीं था, सिर्फ एक धर्म है कि पूजा के लायक हो, जब पूजा के लायक ये है बनाने वाला, चलाने वाला, जीवन देने वाला, तो जीवन उसकी मर्जी के मुताबिक गुजारने का नाम धर्म। और धर्म की क्या परिभाषा हजरत मोहम्मद ने दो शब्दों में बता दी, दो शब्दों में संपूर्ण परिभाषा धर्म की बताती है। और धर्म के सिलसिले में जितनी गलत फहमियां हो सकती है उन सब का इलाज भी कर दिया है। फरमाया अल्लाह के नबी सुनने अद्दीनो अन्नसीहा, दीन जो है, धर्म जो है, खैर खाई का नाम है, भलाई का नाम है, हमदर्दी का नाम है। जहाँ खैर खाई है वहां आदमी धार्मिक है। ये नया जमाना आ रहा है, लोग धर्म से दूर हुए जा रहे हैं और धर्म के घर वाले एहसास कमजोरी में, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला होकर अक्सर लोग क्या कहते हैं भाई अपनी इज्जत भाव की रैली निकाली है कि धर्म से ऊपर होकर सद्भाव के लिए काम करें। ये बिल्कुल इंधा, ये गलत नारा है। धर्म से ऊपर होकर सद्भाव का तसव्वुर नहीं, सिर्फ वो आदमी सद्भाव कर सकता है और खैरखाई कर सकता है जो अपने मालिक को राजी करने के लिए जीवन गुजारना चाहेगा। अपने मालिक को राजी करने के लिए, खुश करने के लिए जीवन गुजारने का नाम धर्म है। मेरे मालिक ने जीवन दिया है उसकी मर्जी के मुताबिक मुझे अतीत हो, जैसे वो चाहता है ऐसे सो, जैसे वो चाहता है ऐसे रो, जैसे वो चाहता है ऐसे देखो, जैसे वो चाहता है इस तरह चलो, इसका नाम धर्म है। जीवन गुजारने का उसने एक पद्धति भेजी है, एक प्रणाली भेजी है, उसका नाम धर्म। के बारे में मैं दीन और नसीहत, दीन नाम है खैरखाई का, भलाई का, हमदर्दी का, खैरखाई का, हर मोड़ पर खैरखाई, हर मकाम पर खैरखाई, हर जगह पर खैरखाई और हर हाल में खैरखाई। अपनों के साथ खैरखाई, पड़ोसियों के साथ खैरखाई, जिस पड़ोसियों के साथ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी सुनाई, फरमाया वो हमें दे रही इसका पड़ोसी भूखा रहे और पेट भर के खाना खाए। मुसलमान कहलाने का मुस्तहिक नहीं, पड़ोसी किसी धर्म से ताल्लुक रखता हो, पड़ोसी पुश्तैनी दुश्मन हो जिससे मुकदमा बाजी चल रही, उसके बावजूद भी अगर वो भूखा रहा और आपने पेट भर के खाया, आप धर्म के पास नहीं। पड़ोसी के हक में से एक हक ये है कि तू अपनी दीवार उसकी दीवार से बगैर उसकी इजाजत के ऊंची न कर, ये जिम्मेदारी है धर्म।
دیوار سے دیوار بغیر اسلام کا اصول ہے پڑوس میں رہنے کا, پڑوس کا قانون ہے, یہ ایک دفعہ ہے, آرٹیکل ہے یہ قانون کا, سمویدان کا, کہ تو اپنی دیوار اس کی دیوار سے بغیر اس کی اجازت کے اونچی نہ کر. پڑوسی کی ہوا رکے گی, پڑوسی کی روشنی رکے گی, پڑوسی کے گھر سے بے پردگی ہوگی. اگر وہ اجازت دے تو آپ ایک لگا سکتے ہیں, نہیں لگا سکتے. پڑوس کے ساتھ خیر خائی, مکان کے پڑوس والے کے ساتھ بیٹھ, مجلس میں بیٹھا ہوا پڑوسی ہے اس کے ساتھ خیر خائی, جو دکان کا پڑوسی ہے, جو کھیت کا پڑوسی ہے اس کے ساتھ خیر خائی, جو مردوں کے ساتھ خیر خائی, عورتوں کے ساتھ خیر خائی, مظلوموں کے ساتھ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام ہو آپ پر. آپ جانتے ہیں اسلام سے پہلے 1400 سال پہلے وہ جاہلیت, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کو جس میں ساری خرابیاں آخری عروج پر تھی, شرک اور بت پرستی کا اتنا روز دور تھا کہ 360 مورتیاں کعبے کے گھر کعبے میں رکھی ہوئی تھی. بے حیائی بے شرمی اتنی تھی کہ ہر جو ہے اتنا شادی میں ننگی عورتوں کے بہنا, بے پردہ عورتوں کے ناچ ہوتے تھے. شراب اتنی شراب کہ شراب کے اوپر ساری شاعری ہوا کرتی تھی, ساری برائیاں. ظلم اتنا, جو جتنا ظلم کرتا تھا اتنا زیادہ تختی اب تک سمجھا جاتا تھا. زمین سب کے لیے ہے, آسمان سب کے لیے ہے, ستارے سب کے لیے ہیں, چاند سب کے لیے ہے, سورج سب کے لیے ہے, سوریا سب کے لیے, چندرما سب کے لیے, یہ ساری یہ بھوت ہیں, یہ سب مانوتا کی یعنی خدمت کے لیے ہے. تو تو کس لیے پیدا ہوا ہے, تیرے پیدائش کا مقصد کیا ہے؟ کسی یعنی کہ بزرگ نے یوں کہا, ابرو بادو ماں وہ خورشید و فلک درکا رند, تا تو نانے بکفاری و غفلت نہ خوری, ابر بادل ہوا چاند سورج زمین و آسمان سب تیری فرما برداری کے لیے ہے. اور تو کیوں غفلت سے روٹی کھا رہا ہے, تو کیوں غفلت میں پڑا ہوا ہے, تو کیوں انتشار میں پڑا ہوا ہے, تو یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ میرا ملک ہے, یہ میری ذات ہے, یہ میرا خاندان ہے؟ آؤ شاستر کیا کہتا ہے, جاتی نیتی کل گوتر دورم دیش ویش بھاشا ابھیمان ورجتم. یہ جو بات کرتے ہیں, دیش ویش کی بات کرتے ہیں, بھاشا کی بات کرتے ہیں, وہ ابھیمانی ہیں, ان کو دھرم سے کوئی تعلق نہیں. دھرم دھرو دھاتو سے نکلا ہے, دھرم دھرو دھاتو سے نکلا ہے. پرماتما کو دھارن کرنا یہ دھرم ہے. جو پرماتما کے اصولوں کو جو دھارن کرتا ہے وہ دھارمک ہے. وہ دھارمک نہیں ہو سکتا جو مانوتا کو ڈیوائڈ کر دیتا ہے, انسانوں کو تقسیم کر دیتا ہے, انسانوں کو کچل دیتا ہے, انسانوں کو کلا کما کر دیتا ہے, انسانوں کو ملیا میٹ کر دیتا ہے. وہ دھارمک نہیں ہوتا ہے, وہ ادھرمی ہے. تیار رہیے